सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। करगिल विजय दिवस के मौके पर आज अब हम आपको हरियाणा के रेवाड़ी के एक ऐसे गांव से रूबरू करवाते हैं जिसकी शौर्य गाथा सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस छोटे से गांव ने देश को इतने वीर सपूत दिए हैं कि आप गिनते रह जाएंगे। इस गांव के जवानों ने न सिर्फ करगिल बल्कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर दूसरे विश्व युद्ध में भी वीरता की ऐसी गाथा लिखी जिसने इनके गाँव का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। ये है रेवाड़ी का गांव कोसली, जो क्षेत्रफल में तो काफी छोटा है मगर यहाँ की गाथाएं बेहद विशाल है। इस छोटे से गांव ने देश को 2 मेजर जनरल, 8 ब्रिगेडियर, 30 कर्नल और करीब 106 अफसर दिए हैं। इतना ही नहीं, अन्य रैंकों पर कुल मिलाकर 1500 से भी ज्यादा जवान इसी गांव के देश सेवा कर रहे हैं। इस गांव की यही ऐतिहासिक विरासत है। पहले विश्व युद्ध में इस गांव के नौजवान वीरगति को प्राप्त हुए थे और यहीं से शुरू होती है इस गांव की शौर्य गाथा। इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध में इसी गांव से 247 जवानों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 6 जवानों ने अपनी शहादत देकर अपने गांव और देश का नाम रोशन किया था। आप भी सुनिए इस गांव की शौर्य गाथा रिटायर्ड मेजर टीसी राव की जुबानी। इस गांव से वर्ल्ड वार वन में 9 लोग शहीद हुए थे, एक बहुत बड़ी संख्या थी अकेले गांव की, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस गांव को उसी नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वार टू में 247 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस गांव से, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए थे। यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स की, नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर्स की संख्या बहुत बड़ी है। 2 तो इस गांव से मेजर जनरल हुए हैं, 8 ब्रिगेडियर, 30 कर्नल, 50 पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट लेकर के आईजी रैंक तक के अधिकारी इस गांव से हैं। लगभग 106 तीनों सेनाओं में आज के दिन अधिकारी हैं इस गांव से, और 1500 की संख्या से ज़्यादा JCO अदर रैंक इस गांव के आज भी सेना में सेना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यहां तो जो है वीरों की खान है। 1957 में सुबेदार जयकरण, जिनको कीर्ति चक्र मिला जो वीर चक्र बराबर होता है, उसके बाद ब्रिगेडियर बबरू भान सूर्य चक्र, और उसके बाद आता है मेजर शैलेंद्र सिंह जिनको सूर्य चक्र है, और अभी लेटेस्ट सेना मेडल मिला है। इस गांव में जैसे ही बच्चा कोई पैदा होता है तो माँ कहती है कप्तान पैदा हो गया, सिपाही नहीं कहती है। इस गांव की ऐतिहासिक गाथाएं राजा महाराजाओं से भी जुड़ी हुई है। रिटायर्ड मेजर टीसी राव के मुताबिक गांव कोसली 852 बरस पहले राजस्थान से युद्ध जीत कर आए राजा कौशल सिंह की एक ऐतिहासिक कहानी से भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजा की पत्नी ने इसी गांव में लगे हरे भरे हीश वृक्ष के नीचे एक पुत्र को जन्म दिया था। इसके बाद राजा अपने परिवार सहित काफी समय तक यहां रुके और पहले से यहां रह रहे बाबा मुक्तेश्वर पुरी के नाम से यहां एक मठ की स्थापना की, जो आज हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है और विश्वविख्यात है। इस गाँव का इतिहास की मैं बात करूँ, बहुत गौरव में इतिहास रहा है यहाँ का। यहाँ के संस्थापक इतने बड़े योद्धा थे, उनसे ही प्रेरणा पिछले 850 सालों से लोग उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आ रहे हैं। राजा कौशल सिंह, जिनके नाम पे हाल ही में कोसली स्टेशन से लेकर गुड़ियानी तक का रास्ता भी उनके नाम पे नामांकन किया गया। यहाँ पे एक 850 साल पुराना हीस का पेड़ भी है, जहाँ पर राजा कौशल सिंह ने अपनी गाड़ी को लाके रोका था। कोसली जहाँ हम खड़े हैं अभी, बाबा मुक्तेश्वरपुरी मठ, इसमें कितने लोगों की आस्था है, कितने लोग कौशल्या गोत्र के आज हिंदुस्तान में हैं। 202 गांव पूरे हिंदुस्तान में कौशल्या गोत्र के लोगों के हैं, जिनका निकास इस गांव से हुआ है। टोटल जनसंख्या की बात करूं 5,05,000 के लगभग यहां के कौशल्या गोत्र के लोग हिंदुस्तान में हैं। 31 गाँव हैं कौशली के अगल बगल में, जहाँ की जनसंख्या लगभग 77,000 से ज़्यादा है। रिटायर्ड मेजर टीसी राव के मुताबिक अभी कुछ वर्ष पहले कोसली के मेजर विकास यादव
फ्लाइट लेफ्टिनेंट आकाश यादव और कैप्टन सचिन यादव ने देश के लिए शहादत दी थी। सरकार के नियमानुसार दो शहीद परिवारों को 50 लाख का मुआवजा मिला, लेकिन शहीद सचिन के परिवार के साथ ऐसा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही न केवल शहीद सचिन की प्रतिमा लगाई जाएगी बल्कि उनके परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा। यहाँ पे तीन शहीद हैं, तीनों की स्टैचूज लगी हुई है। स्कूल का नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट आकाश यादव, गर्ल्स स्कूल का नाम शहीद मेजर विकास यादव, सचिन राइफलमैन सचिन, उनके नाम पे बहुत जल्द कुछ ना कुछ होगा। हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सचिन यादव को 50 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने दिए हैं, टोटल लगभग उसको 90 लाख रुपए उसके परिवार को मिला है। मेजर विकास यादव को इतना नहीं मिला था, फ्लाइट आकाश यादव को भी इतना नहीं मिला था। मैं चाहता हूँ सरकार शहीदों को 50 लाख रुपए जो आज के शहीद को मिलते हैं, जो पहले के शहीद हैं इस गांव से क्या पूरे क्षेत्र से, उनको 50 लाख रुपए दे, उनके बच्चों को नौकरियां दे, उनके आश्रितों को नौकरियां दे, अगर बच्चे नहीं हैं उनके पोते दोते उनको नौकरियां दे, उनकी स्टैच्यू सरकार अपने खर्चे से लगाए। ये बात हमारी चल रही है सरकार के साथ में। कोसली के आसपास 31 गांव हैं जिनमें 77,000 से ज्यादा की आबादी है। यहां के लोग राजा कौशल सिंह को अपना पूर्वज मानकर बाबा मुक्तेश्वरी मठ में अपनी बेइंतहा आस्था रखते हैं। नवरात्रों में अष्टमी के दिन नवजात बच्चों और नवविवाहित जोड़े इस मठ में बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। दुल्हेंडी के दिन यहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है जिसमें कुश्ती और कबड्डी के खास मुकाबले रखे जाते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ के जवान देश सेवा के लिए सम्मानित होते रहे हैं और ये बात कोसली के लोगों को गौरवान्वित करती है। रेवाड़ी से श्याम बाठला की रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।